हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को जय श्री श्याम। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है और ये जो वीडियो है मैं अपने पिछले वीडियो से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी के टाइम में जो अपने बाल हैं इनको अच्छे से सुलझा लूँगी और चोटी बना लूँगी, और दोनों साइड करके मैं अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ, उसके बाद ही चोटी बनाती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, अच्छे से आपके बाल भी सुलझ जाते हैं। और फिर वही सिंपल सा जो जूड़ा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आजकल चूड़ा ही सही लगता है चोटी में, मुझसे रहा ही नहीं जाता, लगता है लो बालों को ऊपर कर लो। और अब ये जो बेडशीट है मेरी, ये बच्चों ने देखिए कैसे ख़राब करके रखी है, और भृगु हमारा उठता पड़ता ही रहता है, जंप करता रहता है इसके ऊपर, तो ये ख़राब हो ही जाती है। आप इसको कितना ही सेट कर ले, दबा लें, फिर भी यहाँ इसमें सेल पड़ ही जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर अच्छे से अभी पूरा तो झटकारूंगी नहीं, पर इसे अच्छे से बिछा दूंगी। सोफ़ा कवर भी मैंने सही कर दिया था, तो अभी लगाऊंगी। बस शाम शाम के टाइम में जो झाड़ू लगाते हैं बस वही लगाऊंगी। तो थोड़ा सा मिट्टी का बैग वगैरह जो है इधर उधर भी हुआ रहता है, तो इसको भी थोड़ा सेट कर दूंगी। और मिट्टी अभी बैठी हुई है, उसको अभी होमवर्क वगैरह भी करना है तो वो अभी करेगी। उससे पहले उसके दो दो चोटी जो बनी हुई है ना, तो उसको मैं एक करके बना दूंगी, क्योंकि क्या है मिष्टी के ऊपर ज़्यादातर एक चोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो झाड़ू मैंने लगा लिया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर मिष्टी की चोटी बनाने के लिए। तो मिष्टी दो चोटी में इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी अच्छी वो एक चोटी में लगती है, तो मैं उसकी ज़्यादातर ना घर पे एक चोटी बना देती हूँ। और भृगु को भी ना हीरो बनना होता है, मतलब वो कंघी करने को हीरो बनना बुलाता है कि भाई मेरे को हीरो बना दो मम्मी। तो मैं उसके कंघी कर रही थी, फिर उसने ये उसका जो दीदी का हेयर बैंड है ईयरफोन वाला, वो ले करके वो बैठ गया है। और मैं आपको बता रही थी ना, मिष्टी दो चोटी में इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी एक में अच्छी लगती है। और वो दो चोटी क्या है, उसके स्कूल में कंपलसरी कर रखी है, बोलते हैं कि भाई दो चोटी बना करके आना, इसलिए मुझे दो चोटी बना करके उसे भेजना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो रोने लग जाती है अगर दो चोटी ना बनाओ तो। तो यहाँ पर उसकी चोटी कर दी थी। इसके बाद ये कुछ कपड़े हैं जिनको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। और ये जो दो बेडशीट में से एक बेडशीट मैंने कल धोई थी, एक मैंने आज धोई है। तो आजकल हमारे यहाँ पर मौसम जो है ना ऐसा हो रहा है ना, मतलब कभी बारिश आ जाती है, थोड़ी थोड़ी बहुत धूप निकलती है, और ज़्यादातर बारिश मतलब बूंदाबांदी टाइप होती है। तो कपड़े जो हैं बिल्कुल भी अच्छे से सूख नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ पर किस तरह का मौसम अभी हो रहा है। हमारे यहाँ तो बड़ा ख़राब मौसम चल रहा है, और बारिश के टाइम मतलब सावन तो पूरा सूखा ही निकल गया, और अब जाके थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, तो यूँ लगता है कि लो भाई बारिश को होने दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर ये चुन्नी वगैरह भी जो है मैंने रख दी है, तो आज इस चुन्नी को क्या है, मैं ओढ़ करके जाती हूँ, भगवान जी के पूजा करने जाती हूँ तभी, इसलिए फिर मैंने इसको भी धो करके जो है रख दिया था। और आज जो है मिष्टी की और भृगु की दोनों की यूनिफॉर्म भी मैंने वॉश कर दी है, तो हल्की हल्की सी जो गीले कपड़े थे ना उनको मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पर मिष्टी आ गई थी तो गेट खोलने चली गई थी मैं, और आ गई हूँ वापस से कमरे में। सारे कपड़े जो है मैंने फोल्ड कर दिए हैं, और इन सबको मैं अब अलमारी में अच्छे से सेट कर दूंगी। तो सारा काम फ्री करने के बाद आ गई हूँ किचन में, और आज बनाऊंगी ये अरहर वाली दाल। तो मैंने दाल को जो है निकाल लिया है, और इसको देख लेती हूँ मैं हमेशा ही, और बस इसमें हल्दी नमक और हींग बस ये डाल दी है, और इसे चढ़ा दूंगी गैस पर। तो दाल बन रही है तो चावल तो बनेंगे ही, और ये जो चावल मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हम डीमार्ट से लेके आए थे, बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के चावल है, बिल्कुल छोटा सा चावल है, देखिए आप पूरा चावल है ये, वो छोटा है, बनने के बाद बड़ा अच्छा लगा हमें, इसलिए हम लेके आए थे इसे, मतलब ट्राई करने के हिसाब से लेके आए थे, पर बनने के बाद बड़ा अच्छा बना, मतलब मुझे लगा कि सही है, लाना चाहिए। तो बस इसे इन चावलों को निकाल लिया है, और थोड़ी सी देर इसे भिगो करके रख दूँगी। और चावल हमेशा भिगोकर ही बनाती हूँ मैं, और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ साथ में बेसन वाली मिर्ची। तो बेसन ले लिया है, इसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया और अमचूर पाउडर, बस यही मिलाया है। इस बेसन को मैंने सेका नहीं है, क्योंकि बेसन में बिल्कुल हल्का हल्का ही भरूंगी, और मिर्ची जो है ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं थी, मीडियम जो मिर्ची होती है ना, बस वही मिर्ची थी, तो बस मैं यही बना लूँगी। और यहाँ पर
तेल मैंने गरम कर लिया है, राई जीरा तड़का लिया है और इसमें डाल दूंगी ये अपनी मिर्ची। तो चलिए अभी दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो आज जो तड़का लगा रही हूँ मैं बिल्कुल देसी घी में ही लगा रही हूँ। तो देसी घी ले लिया है, उसमें राई जीरा तो डाला ही था, हल्की हींग डाल दी थी और इसके बाद हरी मिर्ची डाल करके लाल मिर्ची डाल दी है। तो बस यही सिंपल सा हींग वाला तड़का है, इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। तो बढ़िया सिंपल सी दाल बन गई है मेरी। तो चलिए आज की थाली में लगा लेती हूँ। हाँ, मैंने ले ली है दाल और इसमें मैं रख लूँगी चावल। चावल बढ़िया खिले खिले बने थे, बहुत ही मज़ेदार। इसका नाम भी पता नहीं कुछ अलग ही था इन चावलों का। तो अब नेक्स्ट टाइम भी मैं यही लेकर के आऊँगी। और इसमें जो बेसन वाली मिर्ची है वो रख ली है मैंने। तो आज का हमारा डिनर है दाल चावल और बेसन वाली मिर्ची। आप भी खा लीजिए, बड़ी मस्त और अच्छी बनी है आज का जो थाली है हमारी, बड़ी मस्त है। खाना खाने के बाद वापस से आ गई हूँ किचन में और जितने भी सारे बर्तन हैं ना, इन सभी बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँगी। और दाल चावल बनाते हैं तो एक्स्ट्रा बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े किचन काउंटर को वापस से कर लिया है क्लीन और एक गेट बंद कर दूँगी बस रसोई का। अच्छा, जिस दिन भी मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे इतनी जल्दी होती है ना, ऐसा लगता है कि जल्दी से चेंज करके गाउन पहन लो, क्योंकि गाउन से ज़्यादा कंफर्टेबल तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है। तो बस अब ये साड़ी को चेंज करके गाउन पहन करके आ गई हूँ, अब भृगु को संभालूंगी। अभी जस्ट मैं चेंज करके आई हूँ और भृगु के अभी जो शाम से ही वो मुझसे बोल रहा था, मम्मा सिर दुख रहा है सिर दुख रहा है, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा पता नहीं ऐसे ही कर रहा होगा। पर अभी जो है लेट गया है और उसके बुखार आ गया है, अभी मैंने चेक करा। क्या हुआ ब्रागू बेटा, क्या हुआ, बुखार आ गया है, सिर दुख रहा है और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा है, सिर भी दुख रहा है इसका। अभी सिर दबा रही हूँ मैं इसका, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा सिर। क्या हुआ, सिर दुख रहा है। आज ब्रागू को बर्थडे पार्टी में भी जाना था पर वो क्या करे, उसका सिर दुख रहा है इसलिए वो नहीं जा पा रहा और मिष्टी चली गई है बर्थडे में। अभी ब्रागू को दवाई दे दी है मैंने, हाँ जो मेरे पास थी वो तो दे दी मैंने। अब देखते हैं भगवान ये असर कर जाए, नहीं तो फिर कल जाएंगे इसको दिखाने के लिए, क्या करे। अब बच्चों के साथ ऐसे चलता, देखो कैसे मस्ती कर रहा है अभी, मतलब इसका सिर दुख रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है ये, थोड़ी सी देर में हंसने लग जाता है फिर ये रोने लग जाता है, मेरे को नहीं छोड़ रहा है वो चीज़ है कि मैं बैठी रहूँ उसके पास में, ये चाहिए इसको। तो चलिए अभी दूध बनाऊंगी बच्चों का, तो इसी के साथ अपने इस वीडियो, हाँ दीदी गई है बर्थडे में, तो इसी के साथ इस वाले वीडियो को कर देती हूँ एंड। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा कीजिए। और पंखे की आवाज़ आ रही है, क्या करूँ, अभी बंद करना भूल गई थी, फिर मुझे लगा रहने ही देती हूँ। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।